बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी झा, आगे फिर से आपके लिए आपका अपना केमिस्ट्री का क्लास। तो हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स का प्रिपरेशन मेथड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन बाय अल्काइन जो था वो मैंने पढ़ाया तो था, लेकिन उतना पूरा क्लियरली नहीं मैंने पढ़ाया था। तो आज मैं वो पढ़ाऊँगी, उसके बाद आज मैं आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करूँगी एल्कीन। ठीक है, तो पहले उसको अच्छे से पढ़ा देती हूँ। तो पहले क्या लिखना है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लास में पढ़ाया था। क्या होता है, एक होता है लिंडनर, क्या होता है कैटलिस्ट, और दूसरा है बर्च, IRCH, बर्च रिडक्स। दो तरह ये सब मैंने पढ़ा था, मैं फिर से पढ़ा लिया। लिंडनर कैटलिस्ट में क्या होता है, उसके द्वारा जो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, सिस अल्कीन होता है। जैसे कैसे, क्योंकि ये हो गया अल्कीन डबल बॉन्ड, यहाँ सिस में तो मैंने पढ़ा चुका था आप लोगों को, मैं पढ़ा चुकी हूँ। जैसे यहाँ अगर CH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ H होगा, तो यहाँ एक तरफ एक जैसा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, अपोजिट साइड से नहीं होगा। लेकिन ये फॉर्म कब होता है, जब इस अल्कीन के साथ ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तब। अगर नहीं जुड़ा रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे सिर्फ H, यहाँ H, तो यहाँ सिस और ट्रांस का कोई है ही नहीं। यहाँ अगर एक बॉन्ड टूटा तो यहाँ फिर H ही लगा, और यहाँ भी H ही लगा, तो यहाँ क्या सिस क्या ट्रांस, दोनों तरफ तो एक ही है। लेकिन जब इसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहे तो लिंडनर कैटलिस्ट में सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इसका होता है सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और सिस में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप एक साइड लगे रहते हैं। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, सिस अल्कीन, सिस अल्कीन। एंड बर्च रिडक्शन में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ट्रांस अल्कीन क्या हुआ, AC, यहाँ अगर CH3 ग्रुप है, इसके अपोजिट साइड में यहाँ होगा CH3 ग्रुप, यहाँ H और यहाँ H, ये हो गया कौन सा फॉर्म, ट्रांस, ये ट्रांस अल्कीन हुआ, अल्कीन। ये दो तरह के होते, क्या होते हैं, सिस और ट्रांस होते हैं। अब हम लोग आते हैं लिंडनर कैटलिस्ट है क्या। ठीक, तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। लिंडनर कैटलिस्ट में होता क्या है, हाइड्रोजनेशन होता है, किसका, अल्कीन का हाइड्रोजनेशन होता है। लेकिन उस हाइड्रोजनेशन जो होगा तो यहाँ पे सारा बॉन्ड टूट सकता है, सिंगल बॉन्ड हो जाए, क्योंकि मुझे फॉर्मेशन किसका करवाना है, अल्कीन का, तो ओनली वन बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो मान लीजिए यहाँ एक कर है, यहाँ पे भरा हुआ है, मान लीजिए अल्कीन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। अगर H2 गैस यहाँ से ले आएगा तो ये सारा इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और बॉन्ड सारा टूटने में आसानी से टूट जाएगा। तो चूंकि मुझे सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेकेज करना है, तो इसके लिए लिंडनर कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, किसका, PV प्लस CA3 हो जाए या BASO4, PV
CaSO, CaCO3 या BaSO4, ये पॉइजन है। ये क्या करता है, यहाँ इस सब होल को ब्लॉक कर देता है और कुछ होल ही बाकी रहता है जिससे हाइड्रोजन इंटर करता है, इसीलिए सिर्फ एक बॉन्ड का ब्रेकेज होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये सारा क्या है, ये क्या है, पॉइजन है। क्या है, पॉइजन। आगे बात समझ में। अब ये सारे जो है जैसे प्लेटिनम, निकेल, प्लेटेनियम, प्लेटिनम, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, BaSO4 या Pb+, क्या प्लेटिनम एसीटेट, ये सारा जो है प्लस क्विनोलिन, ये सारा मिलके भी इसको बोल सकते हैं लिंडनर कैटलिस्ट या अलग अलग भी है लिंडनर कैटलिस्ट है, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, हाइड्रोजनेशन का। तो यहाँ मान लीजिए अल्कीन लिए, क्या लिए, अल्काइन, ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पे एडिशन करवाना है किसका, H2 का। तो कैटलिस्ट क्या क्या लेना है, यहाँ ले लेते हैं Pb या CaCO3 या BaSO4 या क्विनोलिन, कुछ भी ले सकते हैं। आगे बात समझ में। यहाँ हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे लिख सकते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, क्या लिख सकते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट। लेकिन मैंने पहले ही बताया था इसमें अल्काइल ग्रुप होना जरूरी है, नहीं तो फिर सिस और ट्रांसफॉर्म का कोई मायने नहीं रहता है। यहाँ अल्काइल फॉर्म दोनों तरफ लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप। अब देखिए ये लिंडलर कैटलिस्ट में जो है हाइड्रोजन का एडिशन कैसा होता है, साइनो एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, साइनो एडिशन। साइनो एडिशन में क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो जो है ऐड होगा, कैसे, सेम तरफ से, इसमें भी इधर इधर से ही जाएगा और इसमें भी नीचे से ही जाएगा, दोनों में क्या होगा, नीचे से ही जाएगा या ऊपर से ही जाएगा, इसका एडिशन या ऊपर से या नीचे, तभी सिस फॉर्म का होता है, ये साइनो एडिशन होता है। एक तरफ से हाइड्रोजन का एडिशन साइनो एडिशन और अपोजिट साइड से हाइड्रोजन का एडिशन जो होता है वो क्या होता है, एंटी एंटी एडिशन करते हैं। यहाँ कैसा एडिशन हो रहा है, साइनो एडिशन हो रहा है और यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, और फॉर्म किसका हुआ, यहाँ R C डबल बॉन्ड, यहाँ यहाँ फिर R, यहाँ हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा H। ये किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन का। समझ में आ गए, कौन सा अल्कीन है, सिस अल्कीन, ये सिस एल्कीन है, साइनो एडिशन के द्वारा होता है, सिन एडिशन बोल सकते हैं साइनो, इसे सिन एडिशन कहते हैं। कौन सा एडिशन, सिन एडिशन, सिन एडिशन के द्वारा, सिन एडिशन, सिन एडिशन से किसका फॉर्मेशन होता है, सिन एडिशन से सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, इसमें लिंडलर कैटलिस्ट में। आगे बात समझ में, ये लिंडलर कैटलिस्ट तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग बर्च रिडक्शन पे, किस पे आएंगे, बर्च रिडक्शन पे। चलिए रिएक्शन सोडियम एंड क्या होता है, सोडियम और लिथियम किसके प्रेजेंस में, लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में बर्च रिडक्शन जो होता है उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बर्च रिडक्शन का क्या होता है, लिथियम या सोडियम और प्रेजेंस किसका होना चाहिए, इन लिक्विड NH3। यहाँ ले लीजिए, देखिए हाँ इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक, एंटी एडिशन हुआ। यहाँ पे दिए R C ट्रिपल बॉन्ड R प्लस, यहाँ फिर होगा हाइड्रोजनेशन, ये प्रोसेस ही है क्या, हाइड्रोजनेशन के द्वारा होता है। और यहाँ पे क्या ले लिए, या तो सोडियम लिए या लिथियम लिए, क्या लिए, लिक्विड अमोनिया NH3, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या हुआ, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन मीन्स क्या, एक हाइड्रोजन का एडिशन इस तरफ से तो एक हाइड्रोजन का एडिशन नीचे से तो एक का ऊपर से,
इस तरह से किसका फॉर्मेशन होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, जैसे R C डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ R, यहाँ H, ये क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांस एल्कीन, क्या हो गया, ट्रांस एल्कीन। तो इस तरह से हम लोगों ने एल्कीन के फॉर्मेशन का प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो चलिए अब क्या आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पे। तो क्या होता है, पहले स्टेट और इसमें फाइव से नीचे यानी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये जो एल्कीन्स होते हैं ये गैसियस फॉर्म में रहते हैं। जैसे जैसे इनका इनमें कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी यानी मोलर मास बढ़ता जाएगा, उसका स्टेट चेंज होता चला जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये तीन जो होते हैं इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन गैसियस स्टेज में, 5 to 18 कार्बन वाले इनकी एल्कीन्स जो होते हैं उनका स्टेट कैसा हो जाता है, लिक्विड। एंड हाइयर एल्कीन्स जो होते हैं 18 से हाइयर, उनका स्टेट कैसा होता है, वे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। अब आते हैं स्मेल के। तो एल्कीन जो होता है, एल्कीन में इथीन, इथीन को छोड़ के सारे एल्कीन्स जो होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं, जबकि इथीन जो होता है उसमें एक फेंट स्वीट सा स्मेल होता है, एक बहुत अच्छा सा स्मेल होता है, और जितने भी एल्कीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो चलिए इस पे मेल्टिंग पॉइंट पे, एल्कीन्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एल्कीन एल्केन के कंपैरिजन में हाई होता है। क्या होता है, हाई होता है, क्यों हाई होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है एस कैरेक्टर पे। किस पे, एस कैरेक्टर पे। अब यहाँ एस कैरेक्टर पे क्या होता है, देखिए अगर हम एल्केन का देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो देखिए एल्केन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी अगर 100 किए तो 25% हुआ इसका s करेक्टर और 75% हो गया p का। s बराबर 25 और p इक्वल टू 75, यहाँ s करेक्टर कितना है, ओनली 25%। ठीक है, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये नहीं है पोल जनरेट ज्यादा नहीं हो पा रहा है, जबकि अगर एल्केन को देखेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसका कैरेक्टर, s कैरेक्टर कितना होगा, s कैरेक्टर होगा इसका 33.33% लगभग, यहाँ s कैरेक्टर बढ़ा। तो जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ता जाएगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या, जो किसी भी लिक्विड को या सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है। तो जैसे इसका मोलर मास बढ़ा, इसका S करेक्टर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो क्या होता है, उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट की जरूरत होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे बात समझ में, तो क्या होता है एल्केन के कंपेयर में एल्कीन्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक कारण और है, पाई बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा पोलर होता है ड्यू टू किसके, सिग्मा बॉन्ड से, और पोलरिटी क्या होता है डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट पे। तो चलिए मैं लिख के बता देती हूँ। चलिए एस करेक्टर से ही क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगा पोल जनरेट उतना आसानी से होगा, तो एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए यहाँ 25% है कुछ ए, और ये हो गया मान लीजिए बी हो गया 75%, तो दोनों के बीच जो पोल क्या जनरेट है, ये तो पूरा पूरी अपने तरफ खींच लिया है कि नहीं। और जब दोनों के इसका कैरेक्टर भी ज्यादा हो और इसका भी मेन तो पूरा जो होता है, जैसे इस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो पोल जनरेट होगा। तो जैसे जैसे पोल जनरेट होगा तो इनके बीच का इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसको तोड़ने के लिए तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए ना, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है।
तो क्या होता है, अल्केन के कंपैरिजन में अल्कीन में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है मोर पोलराइजेबल होता है देन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किसके बीच में, अल्कीन में, किसके कंपैरिजन में, अल्कीन के। इस तरह से हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज का आए दो पार्ट आज पढ़ा, क्या क्या, स्टेटलेस में एंड फिजिकल सॉरी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट सब पढ़ेंगे, ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।